आपने देखा कि जो पार्ट वन जो था हमारा टेक्चर का, तो उसमें आपने देखा कि मैंने एक रिंकल पेपर चिपकाया था रॉयल लग्जरी मल्टन के साथ में। अभी ये दूसरा पार्ट है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इस पर आपने क्या करना है, रॉयल लग्जरी मल्टन का बेस कोड लगाना है। और बेस कोड लगाना है उससे पहले ये सब हमने कटिंग कर ली है इस तरह से, हल्का हल्का पेपर इस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से, ज़्यादा निकालना नहीं होता, जगह जगह से निकालना होता है कम भर्ती पेपर। तो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं इस पर, ये कलर बनाना है इसका कि कलर कैसे बनता है, और उसके बाद कलर में कितना पानी पड़ेगा वो आपको सब बताऊंगा मैं, और फिर उसके बाद मैं इस पर अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरह कौन से रूलर से हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा कलर है रॉयल लग्जरी मल्टन, तो इसको हम खोलते हैं। तो कलर इस तरह का है, और अंदाज़ा लगा सकते हो कि टॉप कोट कैसा होगा। टॉप कोट में आने वाले उसमें दिखा दूँगा दूसरे भाग में। तो जैसे ही आपने देखा कलर ये है। अब इसके अंदर पानी कितना मिक्स करना है, 1 लीटर में ओनली 300 ग्राम पानी मिक्स करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि 1 लीटर में 300 ग्राम ही डालना, तो उसी हिसाब से उतना ही पानी डालना, ज़्यादा नहीं डालना हमने। और इसमें कम से कम 2.5 लीटर करीब मटेरियल हमने इसमें डाल दिया है, और उसके हिसाब से हमने 500-600 ग्राम पानी भी इसमें डाल दिया है। तो गाइस हमारे पास दो तरह के रूलर होते हैं, एक तो ये है हमारे पास, और एक रूलर ये है, ये स्पॉन्ज रूलर है, और ये 950 नंबर रूलर है रॉयल लग्जरी मल्टन करने का स्पेशल। तो इससे भी हम ये इस पेपर के ऊपर कलर मार सकते हैं, और इससे भी मार सकते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े जिसके बाल होते हैं उनसे हम नहीं मार सकते, उनसे डिजाइन अच्छा नहीं निकलेगा, फुल्ला फुल्ला हो जाएगा। इससे क्या है कि डिजाइन दब जाता है और अच्छा डिजाइन निकलता है। तो अभी फिलहाल में हम इससे भी मार सकते हैं, इससे भी। फिलहाल में मैं इससे करूँगा, थोड़ा जल्दी काम होगा, और जो है इसकी फिनिशिंग है वो भी बराबर आएगी दोनों से सेम, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम थोड़ा जल्दी होगा इससे बस। तो गाइस ये हमारा अभी फाइनल हो चुका है, मतलब दूसरा कोट जो होता है क्रिंकल के ऊपर बेस कोट दूसरा लगाते हैं हम, वो हो चुका है पूरा फाइनल। और दूसरे कोट में जो अंदर का बेस है वो पूरा छुप चुका है, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी इसका जो रहता है वो तीसरा फाइनल कोट रहता है, जिस पर कि हम डिज़ाइन निकालेंगे, दूसरा कलर देंगे। तो जो कलर है हमारा वो थोड़ा डार्क ग्रीन होगा इस पर, और लुक जब भी अच्छी नज़र आएगी इसकी, जबकि हम इस पर दूसरा कलर मेटेलिक मारेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अभी ये ख़त्म है यहाँ पे। अब मिलता हूँ मैं आपको इसका तीसरे भाग में, जो कि मैं इस पर डिज़ाइन डालूँगा, जो कलर तीसरा रॉयल प्ले मटेरियल अप्लाई करूँगा।